Hello children, this is Dr. Shweta Malani. I'm back again and as you know, since we are in class 11, तो 11 में अभी हमारा चल रहा है chapter 3, that is Plant Kingdom. We have already done 3 lectures on this chapter, जिसमें हमने शुरू में आपको किया था introduction to the various types of plant kingdom, कैसे plant kingdom का classification has evolved over time. ये मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था और उसके बाद दो लेक्चर में मैंने आपको एक कंपैरेटिव अकाउंट दिया था बिटवीन वेरियस प्लांट्स दैट इज एल्गी ग्राफाइट टेडोफाइट जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. अब जब हमने एक कंपैरेटिव अकाउंट पढ़ लिया है, लाइफ टाइम्स ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न्स हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक हैप्लोडिप्लोन्टिक पढ़ लिया है, सो नाउ इट इज टाइम दैट वी जंप इनटू द कोर ऑफ द चैप्टर एंड रियली स्टार्ट विद द प्रॉपर क्लासिफिकेशन जो आपके बुक में दिया है. मैंने जो आपको 3 लेक्चर में पढ़ाया है इससे आपको लगभग 60% ऑफ द चैप्टर याद हो गया है. बस अब उसको जब हम पढ़ेंगे वो स्टोरी के माध्यम से, बाय वर्च्यू ऑफ दैट स्टोरी नाउ यू आर क्वाइट फेमिलियर विद द वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट. सो अब हम लोग उसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? सो हियर वी गो इन टू टूडेज लेक्चर. वी आर गोइंग जहां पर हम डील करेंगे विद द प्लांट क्लासिफिकेशन. देखिए, मैंने यहाँ पर एक आपका टेबल दिख रहा है कि प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है. मैं एक बार दिखा दूं, फिर मैं आपको एक टेबल बनाकर दिखाऊंगी कि इसे और अच्छे से कैसे समझा जा सकता है. अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि किंगडम प्लांटी पहले दो ग्रुप में बटा हुआ है, एम्ब्रियो एब्सेंट एंड एम्ब्रियो प्रेजेंट. आपको पता है एल्गी इज द ओनली ग्रुप जिसमें एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, उसको कहते हैं थैलोफाइटा. एल्गी को छोड़कर बचे हुए सारे प्लांट्स में एम्ब्रियो होता है. जो बचे हुए प्लांट्स है उसमें केवल ब्रायोफाइट में वैस्कुलर बंडल एब्सेंट है, ठीक है? बचे हुए में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है. जिनमें वैस्कुलर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं ट्रैकियोफाइटा. इसमें एम्ब्रियो एब्सेंट, जिनमें एम्ब्रियो है उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोफाइटा. फिर उसमें कुछ में वैस्कुलर बंडल नहीं है, जिसमें है उसको हम लोग कहते हैं ट्रैकियोफाइटा. अब ट्रैकियोफाइटा में कौन कौन आता है? टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. उनमें से कुछ ऐसे हैं जिसमें सीड्स नहीं पाए जाते, ठीक है? जैसे टेडोफाइट, अब जिसमें सीड पाया जाता है दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा. जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में केवल सीड होता है, नो फ्रूट, जबकि एंजियोस्पर्म में द सीड इज प्रोटेक्टेड इनसाइड फ्रूट. ये कॉमन मेथड है, पर ये आपको उतने अच्छे से नहीं समझ में आया था होगा. इसको समझाने के लिए यहां पर एक मैंने जो टेबल डाल रखा है, चलिए इससे हम लोग देखते हैं. देखिए, मैंने आपको बताया था कि एल्गी इकलौता ऐसा है प्लांट जिसमें एम्ब्रियो नहीं होता, राइट? सो यहां पर हम लिखेंगे कि एम्ब्रियो एब्सेंट. सी दैट, एम्ब्रियो एब्सेंट. सिंस इसमें एम्ब्रियो एब्सेंट है, बचे हुए सब में एम्ब्रियो प्रेजेंट है, तो ये बचे हुए को हम कहेंगे एम्ब्रियोफाइटा. एम्ब्रियोफाइटा मतलब दोस प्लांट्स विच हैव एम्ब्रियो. ये नॉन एम्ब्रियो फाइटा है, ठीक? इसमें एम्ब्रियो नहीं होता, सो वी विल कॉल इट एज नॉन एम्ब्रियो फाइटा, जिसको थैलोफाइटा भी बोलते हैं. अब बचा कौन? ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म. अब इन चारों में केवल इसमें वैस्कुलर बंडल नहीं है, बचे में वैस्कुलर बंडल है, तो यहां क्या लिखोगे? वैस्कुलर बंडल एब्सेंट एंड बचे में The vascular bundle is present. ठीक? Since vascular bundle is present, so we call them as tracheophyta. Tracheophyta means, tracheophytes means those who have vascular bundles. So we call them as tracheophyta. ठीक? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Bryophyte, जिसको हम लोग कहेंगे non tracheophyta. हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे? यहां आ जाइए. अब यहां टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में केवल टेरिडोफाइट में क्या एब्सेंट है? सीड एब्सेंट, ठीक है? सीड एब्सेंट. बचे हुए में सीड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा. स्पर्मेटो मींस सीड, फाइटा मींस प्लांट, सो वी कॉल देम एज स्पर्मेटोफाइटा. तो ऑब्वियसली इसको क्या बोलेंगे? नॉन स्पर्मेटोफाइटा, जिसको टेरिडोफाइट भी कहते हैं. अब ये जो दोनों में सीड है उसमें से इसमें क्या है? द सीड इज नेकेड, दैट इज फ्रूट इज एब्सेंट, ठीक है? जबकि इसमें क्या होगा? द सीड इज एनक्लोज्ड इन फ्रूट. सीड एनक्लोज्ड इन फ्रूट, राइट? सो दिस इज वन मेथड ऑफ क्लासिफाइंग द प्लांट्स.
यही मैंने अगले वाली टेबल में आपको दिखा रखा है. एम्ब्रियो एब्सेंट, बाकी में एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो फाइटा. एम्ब्रियो फाइटा में जिसमें वैस्कुलर बंडल एब्सेंट, बच्चे में प्रेजेंट ट्रैक्योफाइटा. ट्रैक्योफाइटा में इसमें सीड एब्सेंट, बच्चे में सीड है स्पर्मेटोफाइटा. इसमें स्पीड नेकेड है, इसमें द सीड इज एनक्लोज्ड इन फ्रूट. ठीक है, अब ये जो मैंने अभी आपको बताया इसी को हमने उस टेबल में डाल रखा था. इफ यू सी दैट दिस इज थैलोफाइटा, दैट मींस इट इंक्लूड्स एल्गी. इसमें एम्ब्रियो एब्सेंट है, बच्चे सब में एम्ब्रियो होता है एम्ब्रियो फाइटा. उसमें से अकेले ब्रायोफाइट में वैस्कुलर बंडल एब्सेंट है, बच्चे में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, उसको कहते हैं ट्रैक्योफाइटा. ट्रैक्योफाइटा में टेरिडोफाइट इकलौता है जिसमें सीड नहीं है, बचे हुए में सीड है, उसको कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा. एंड स्पर्मेटोफाइटा में जिसका सीड नेकेड है दैट इज जिम्नोस्पर्म, एंड जिसका सीड प्रोटेक्टेड है इनसाइड फ्रूट उसको कहते हैं एंजियोस्पर्म. सो ये एक तरीका है आपके प्लांट के क्लासिफिकेशन का. एक और तरीका प्लांट के क्लासिफिकेशन का क्या है उसको भी देख लेते हैं. वो थोड़ा सा ज्यादा कॉमन मेथड है विच यू विल सी हियर. द किंगडम प्लांटी इज बेसिकली फर्स्ट डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम्स. आपको पता है प्लांटी एक किंगडम है, ये दो सब किंगडम में बटा हुआ है. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज क्रिप्टोगैमी, आपने पढ़ा है क्लास 9 में, एंड द अदर इज कॉल्ड एज फैनरोगैमी. आपको पता है क्रिप्टो मतलब होता है सीक्रेट यानी कि हिडन, ठीक है, एंड गैमी मींस रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो सिंस गैमेट से आया वर्ड, सिंस इनमें सीड्स नहीं पाया जाता, दे डू नॉट हैव सीड्स, सो इसमें मैरिज यानी कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो थोड़ा हिडन है, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्रिप्टोगैमी. बचे हुए जितने प्लांट्स में सीड पाया जाता है, इसके अलावा फ्लावर्स एंड फ्रूट भी आप बोल सकते हैं, उसमें फैनरो मींस ओपन एंड गैमी मींस यू नो रिप्रोडक्शन, दैट मींस दे हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको लोग कहते हैं फैनरोगैम्स. क्रिप्टोगैम जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, सो मैंने आपको जैसा बताया दिस इज डिवाइडिंग टू टू सब किंगडम्स. द किंगडम प्लांटी इज डिवाइडिंग टू टू सब किंगडम, वन इज क्रिप्टोगैमी एंड द अदर इज फैनरोगैमी. अब किंगडम है तो किंगडम के नीचे क्या होता है, फाइलम. बट आपको पता है प्लांट्स में फाइलम नहीं होता, प्लांट्स में होता है डिविजन, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है डिविजन. सो किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इन टू फाइव डिविजन. क्रिप्टोगैमी में आएगा थैलोफाइटा दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरोफाइट्स, दीज थ्री आर विदाउट सीड्स, एंड फैनोगैम्स में आएगा जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म. यानी कि इन शॉर्ट किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू फाइव डिवीजन, यानी कि फाइव फाइलम, थैलोफाइटा जिसको एल्गी भी कहते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. फर्दर आपको पता है ये हो गया बेटा आपका किंगडम, किंगडम के बाद ये हो गया आपका फाइलम. डिविजन को ही प्लांट्स में हम लोग फाइलम बोलते हैं. फिर फाइलम बटा हुआ है इनटू क्लासेस, यहां देखो क्लास है. तो एल्गी फिर तीन क्लास से बटा हुआ है, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी. आपको ये तीनों को डिटेल में पढ़ना है. ब्रायोफाइट में तीन क्लास होता है, हिपैटिसी, एंथ्रो एंथोसेरोटेटी एंड मसी. ठीक, ये हिपैटी. अब ये जो तीन है इसमें से आपको दो डिटेल में पढ़ना है और हम आपको बताएंगे आपको क्या पढ़ना है. टेडोफाइट में पांच टाइप है, सिलोपसीडा, लाइकोपसीडा, स्फेनोपसीडा एंड टेरोपसीडा, नॉट पांच, चार. और इन चारों के आपको केवल एग्जाम्पल जानने. आपके एनसीईआरटी में जिम्नोस्पर्म का ये फिर तीन क्लास से बटा हुआ है, साइकेडोपसीडा, कॉलीफेरोपसीडा एंड मीटोपसीडा. आपके एनसीईआरटी में तीनों ने लिखा है, पर मैं आपको बताऊंगी और इनके एग्जाम्पल्स आपको से बताऊंगी, आपको याद करना है. एंजियोस्पर्म दो क्लास से बटा हुआ है, डाइकोटिलेडोनी एंड मोनोकॉटिलेडोनी, दैट इज डाइकॉट एंड मोनोकॉट, जो आपको डिटेल में पढ़ना है. सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द प्लांट क्लासिफिकेशन, सो वी विल सी इट वंस अगेन. तो इस बार मैं थोड़ा सा इसको नीट बता दूं. सबसे पहले हमारा आता है किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम्स, दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड फैनरोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स आर दोज विच डू नॉट हैव सीड, फैनरोगैम्स आर दोज विच हैव सीड. सो क्रिप्टोगैम में फिर तीन डिविजन यानी कि फाइलम आता है, थैलोफाइटा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरोफाइटा. जबकि फैनरोगैम्स में दो क्लास फाइलम आता है जिसको डिविजन बोलते हैं प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. थैलोफाइटा फिर आपके तीन क्लास से बटा हुआ है, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ये तीनों आप डिटेल में पढ़ेंगे. ब्रायोफाइटा तीन में, हिपैटिसी, एंथोसिरोटी एंड मसी, ये तीन में बटा हुआ है. एंड टेरोफाइट चार में, सिलोपसीडा, लाइकोपसीडा, स्फेनोपसीडा एंड टेरोपसीडा, इनकी केवल एग्जाम्पल जानने. दिस इज साइकोपसीडा, कॉनिफेरोपसीडा,
नीटोक्सिडा, इनके मैं पढ़ाऊंगी एग्जाम्पल, एंड इसमें आएगा डाइकॉट एंड ओलोकॉट. Is that clear? So this is an overview of the plant classification. This is how the plants are classified. हम आज स्टार्ट करेंगे पहला फाइलम यानी कि डिवीजन, दैट इज एल्गी. We will start with algae right now. ठीक है. So what are algae? अब उसको हम लोग देख लेते हैं. Algae is a most primitive type of plants. जो आपने पढ़ा है, they are mostly unicellular और सब may be multicellular. The body is undifferentiated into root, stem and leaf. This is called as thallus. Root like, stem like, leaf like, you know that, hold fast type, and frond may be present. Vascular bundle is absent. In them, the life cycle is haplontic. The fertilization takes place, it is external. Okay? That is through the medium of water. Embryo formation is absent. Itne characters hum kar chuke. The embryo formation is absent. And we have gone through even some examples. ठीक है, तो चलिए मैंने इतना आपको बता चुकी हूँ. अब थोड़ा सा हम एल्गी को रिवाइज करें. प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक मेरे लेक्चर्स देखे नहीं है प्लीज प्रीवियस देखिएगा. मेरे पहले दूसरे तीसरे लेक्चर को देखने से आपको ऑलमोस्ट ये चैप्टर 60% याद हो जाएगा एक कहानी से. So let us come first to the habitat. Habitat, I told you, it is the place where an organism lives. और आपको पता है all algae are aquatic. They may be fresh water or marine or even brackish water. What is brackish water? It is intermediate between fresh and marine. I'll give you an example. ये एक नदी है. नदी में का पानी कैसा होता है? Fresh water, मीठा पानी होता है. ये नदी अब किस में मिलेगी? समुद्र में मिलेगी. ठीक है, this is the ocean. So ocean का water कैसा होता है? This is marine, this is salty water. So this is called as marine. ठीक है, लेकिन जहां पर ये फ्रेश वाटर मराइन वाटर से मिलता है, यहां का पानी दोनों का मिक्सचर होता है, थोड़ा इसका थोड़ा इसका, ना तो ये इसके जैसे मीठा है ना खारा, ये बीच का जो पानी है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रैकिश वाटर. याद रखना, एल्गी एक्वेटिक है. इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, ऑल्सो इन ब्रैकिश वाटर. इसके अलावा ये मॉइस्ट एरियाज में पाए जाते हैं. ठीक है, तो यानी कि जमीन में भी मॉइस्ट स्टोन सॉइल वुड पे पाए जाते हैं. जब ये एल्गी के साथ फंजाई के साथ एसोसिएट होते हैं, जिसको कहते हैं लाइकन्स, राइट, एंड ये स्लॉथ बेयर, एक तरह का बेयर है, उन एनिमल्स की बॉडी में भी ये उगते हैं. क्लियर? तो आप इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले हैबिटेट, दे आर एक्वेटिक, दे मे बी फ्रेश वाटर मराइन और इन ब्रैकिश वाटर, बिसाइड्स दे मे बी एसोसिएटेड विद फंजाई, देन वी कॉल इट एज लाइकन. दे मे बी ऑल्सो फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ मेनी एनिमल्स लाइक स्लॉथ बेयर. ठीक है, जब एक बार हमने इनका हैबिटेट पढ़ लिया, तो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द थैलस ऑर्गेनाइजेशन. थैलस ऑर्गेनाइजेशन में आपको अच्छे से पता है द बॉडी इज माइक्रोस्कोपिक एल्गी का. मोस्ट ऑफ देम आर यूनिसेलर, बट सम ऑफ देम मे बी मल्टीसेलर एज वेल. ये जो मैंने येलो से पूरा स्टेटमेंट दिया है, इसको अभी एनसीईआरटी ने, न्यू एनसीईआरटी में हटा दिया गया है. जो आपसे इससे पिछले साल की जो एनसीईआरटी थी, उसमें कहा गया था सम ऑफ देम आर यूनिसेलर, example chlamydomonas, some are colonial, example volvox, some are filamentous like Neurothrixis pyrogyra. ये दोनों example अभी भी है आपके NCERT में. God knows why इसको हटा दिया गया, तो हटा दिया तो हम बता देते, लेकिन अभी आपको ये पढ़ना, ये chlamydomonas का example आपके NCERT से हट गया, unicellular वाला God knows, but some of them may be colonial. Colonial देखो, यहाँ एक green algae, यहाँ एक, और ये सारे देखो आपस में intermittent है, कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं. इसके एग्जांपल में आएगा वॉलवॉक्स, और कुछ ऐसे फिलामेंटस होते हैं, ऐसे फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, इसका दो एग्जांपल है यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा. मैं आपको बता दूं, प्लांट क्लासिफिकेशन से एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब एग्जांपल से आपको बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट. तो इसीलिए ये एग्जांपल्स को आप जरूर से याद कर लेना, यानी कि आप कॉलोनियल फॉर्म के एग्जांपल में क्या याद करेंगे, यू लर्न वॉलवॉक्स, and in that filamentous you will learn Eulothrix and Spirogyra. So now let us come to the next one. Oh sorry, habitat ho gaya, ye ho gaya thallus mein. Ab aa jaate hain, lekin kuch brown algae ka size bahut bada hota hai. Maine isse pehle wale mein aapko kya padhaya tha beta? Maine pichle mein padhaya tha some of them are colonial and some of them are filamentous, but some brown algae they form huge masses in the ocean. Dekhiye, maine yahan par photo bhi dal rakha hai.
ये ब्राउन एल्गी है जो देखो ओशन में ये बड़े बड़े पूरा पूरा फैला हुआ है, ऐसे बड़े मास बनाता है, इसको हम लोग कहते हैं केल्प। ठीक है, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन पता चल गया, सम ऑफ देम आर कोलोनियल, सम ऑफ देम आर फिलामेंटस, बट सम ऑफ देम दे लुक लिटिल बिगर इन साइज, दे कवर द लार्ज एरिया ऑफ द ओशन एंड सच यू नो लार्ज एरिया वाले जो एल्गी होते हैं ब्राउन एल्गी, इनको हम लोग कहते हैं केल्प्स। ठीक है, अब थैलस ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है क्योंकि इसका बॉडी में रूट स्टेम लीफ नहीं है, द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, तो ऑब्वियसली इसमें वैस्कुलर बंडल भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। अगर वैस्कुलर बंडल एब्सेंट होगा तो ये अपने बॉडी को इरेक्ट कैसे रखते हैं, हम अपने बॉडी को इरेक्ट कैसे रखते हैं, हड्डी है हमारे पास, ये हड्डी हमको इरेक्ट रखती है, वैसे प्लांट अपने आप को इरेक्ट कैसे रखता है, बहुत सारे कारण है, उसमें से एक है कि जब वैस्कुलर बंडल से पानी जाता है तो दैट ऑल्सो गिव्स रिजिडिटी टू द प्लांट। तुम खुद सोचो ना, एक ऐसा स्लम्पी सा स्ट्रॉ है, जैसे आप उसे पानी टालने लगते यू स्टार्ट सकिंग वॉटर, इट गेट्स रिजिड। वैसे जिन प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है, जब जाइलम से पानी ऊपर चढ़ता है द प्लांट गेट्स रिजिड, पर इनमें तो वैस्कुलर बंडल है नहीं। ठीक, तो ये अपने आप को रिजिड कैसे रखते हैं, बाई बोयंसी, बोयंसी इट हेल्प्स देम कीप इरेक्ट सिंस दे डू नॉट हैव एनी मैकेनिकल टिश्यू, इसका तो बॉडी केवल सेल का बना है, टिश्यू में तो ऑर्गेनाइज है नहीं कि इसे पाया जाएगा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, तो बोयंसी से ये अपने आप को इरेक्ट रखते हैं। ठीक है, सो हमने एल्गी का दो पॉइंट पढ़ा, पहला पढ़ा हैबिटेट, सो वेयर दे आर फाउंड, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक, इसके अलावा लाइकन्स एंड स्लॉथ में। सेकेंड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर मोस्टली यूनिसेलर, सम ऑफ देम मे बी इसमें कोलोनियल और फिलामेंटस एंड सम ऑफ देम मे बी कोलोनियल, द बॉडी डज नॉट हैव रूट स्टेम एंड लीफ इज एब्सेंट, सिंस रूट स्टेम एंड लीफ इज एब्सेंट सो वी कॉल देम एज थैलोफाइटा। ठीक है, एंड इन सम केसेस सो वैस्कुलर बंडल इज ऑल्सो एब्सेंट बट दे मेंटेन द बोयंसी थ्रू द इरेक्ट स्ट्रक्चर थ्रू बोयंसी, एंड कुछ मरीन फॉर्म्स काफी बड़े साइज के होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं केल्प्स, केल्प, केएलपी, वी कॉल देम एज केल्प्स। अब आ जाते हैं इसके न्यूट्रिशन पे, ऑब्वियसली प्लांट है तो इसका न्यूट्रिशन कैसा होगा, फोटोसिंथेसिस ही होगा, और मैं आपको बता दूं जितने भी प्लांट्स जो ग्रीन इन कलर है और फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑब्वियसली उनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, बट वो क्लोरोफिल पिगमेंट जो यूनिवर्सल है, यानी कि सारे प्लांट्स में पाया जाता है, क्लोरोफिल जो है आपका पिगमेंट, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल में बहुत तरह का है, क्लोरोफिल ए बी सी डी एंड सो ऑन। ठीक है, इनमें से एक क्लोरोफिल ऐसा है दैट इज योर क्लोरोफिल ए, दिस इज अ यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ये सब में पाया जाता है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, हर ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट में एक पिगमेंट जो पाया जाएगा ही जाएगा दैट इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के अलावा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इनमें अदर वैरायटी के क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं, जैसे किसी में बी, किसी में सी, किसी में डी, इसके अलावा इनमें कुछ कलर्ड पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कैरोटीन्स, कैरोटीन्स गिव दिस कैरेक्टरिस्टिक येलो रेड कलर टू द प्लांट्स, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स में जो येलोइश रेड कलर होता है दिस इज ड्यू टू कैरोटीन, सो कैरोटीन गिव्स दिस कलर। ठीक है, येलोइश रेड, क्लोरोफिल गिव्स विच कलर, क्लोरोफिल गिव्स ग्रीन कलर। ठीक है, इसके अलावा कुछ में पाया जाता है ज़ैंथोफिल्स, सो व्हाट आर ज़ैंथोफिल्स, ज़ैंथोफिल्स आर पिगमेंट्स विच गिव ब्राउनिश कलर टू द प्लांट्स। ठीक है, तो कुछ में ज़ैंथोफिल भी पाए जाते हैं, एडिशनल पिगमेंट्स में भी प्रेजेंट, इनके अलावा अलग अलग ग्रुप में कुछ अलग पिगमेंट भी पाए जा सकते हैं। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेटिक, ऑल ऑफ देम दे कंटेन क्लोरोफिल ए, बिसाइड सम ऑफ देम दे मे कंटेन पिगमेंट लाइक रेडिश येलोइश, जो येलो रेडिश कलर देता है पिगमेंट दैट इज कैरोटीन, और दे मे कंटेन ज़ैंथोफिल विच इज ब्राउन इन कलर, दीज अदर देन दैट सम अदर पिगमेंट्स मे बी प्रेजेंट जो आगे जाकर हम लोग देखेंगे। हो गया, सो दिस अबाउट न्यूट्रिशन, अब आ जाते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन। एल्गी में रिप्रोडक्शन बेसिकली तीन तरह से होता है, वन इज वेजिटेटिव, द अदर इज असेक्सुअल एंड द थर्ड इज सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन, व्हाई, अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे एल्गी फिलामेंटस होते हैं जैसे स्पायरोगायरा एंड यूरोथ्रिक्स, एंड कोई भी चीज जो फिलामेंटस होती है इट कैन इजिली ब्रेक इन टू पीसेस
and each piece will regroup to form an adult. This method of reproduction is called as fragmentation. The algae may vegetative reproduction occurs through fragmentation. इसके अलावा एल्गी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर्स, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर्स, जस्ट लाइक फंजाई. देखिए हम लोग फंजाई जैसे पढ़ रहे, इसमें होता है थ्रू स्पोर्स एंड मोस्टली द स्पोर्स आर मोटाइल, मोस्टली दे आर मोटाइल, दे हैव फ्लैजेला एंड सच मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड एज जू स्पोर. ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, जू मीन्स एनिमल, सिंस दे आर मोटाइल लाइक एनिमल्स वी कॉल देम एज जू स्पोर. एल्गी के स्पोर्स मोस्टली मोटाइल क्यों होते हैं, क्योंकि एल्गी एक्वेटिक है, तो फ्लैजेला हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर, सो मोस्टली दे आर फ्लैजिलेटेड. ठीक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, बट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर दैट इज फाउंड इज जू स्पोर. ठीक है, दीज आर फ्लैजिलेटेड एंड दीज स्पोर्स दे जर्मिनेट टू फॉर्म एन अडल्ट फंजाई. तो हमने पढ़ लिया इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हमने पढ़ लिया इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now we will go into the next type of reproduction, that is the sexual reproduction. Like any other organism, obviously the sexual reproduction will be with the help of gametes. किसी भी organism में हमें पता है sexual reproduction हमेशा gametes के मदद से होता है. अब algae में कितने तरह के gamete पाए जाते हैं, जैसा आपने fungi में पढ़ा था, same. The gametes may be of same shape and size. This is male and female, same shape and size. तब इसको हम लोग कहते हैं आइसोगैमेट्स. यहां एक चीज बता दें, यहां पर मैंने बनाया है फ्लैजेला, दे मे बी फ्लैजिलेटेड और दे मे नॉट बी फ्लैजिलेटेड. ठीक है, फ्लैजेला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया. फिलहाल अगर इनका शेप एंड साइज सेम होगा, दे मे बी आइदर फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड, देन दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोगैमस. इफ द शेप इज सेम, देखिए आप, द शेप इज सेम but the size is different, then this is called as anisogamous. Again, this, they may be flagellated or they may be non-flagellated. ठीक है? अगर इनमें तो third type का gamete इनमें पाया जाता है, this is first, this is second, this is the third. If the female gamete is large and non-motile and the male gamete is small and motile, you know that this is called as oogamous condition. So their gametes may be oogamous as well. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल का क्वेश्चन आता है, एग्जांपल कि किस एल्गी, कौन सा एल्गी आइसोगैमस है, कौन एनाइसोगैमस है और कौन ऊगैमस है. तो चलिए हम आपको यहां पर दिखाते हैं, प्लीज लर्न दिस, इट रियली कम्स इन द मेडिकल एग्जाम. जब हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा. दीज गैमेट्स मे बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, मतलब इनका साइज सिमिलर है एंड फ्लैजिलेटेड है. ठीक, इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स. ओल्ड एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल लिखा था क्लमाइडोमोनस, जो मैंने येलो में लिखा है, दैट मींस इट्स अ चेंज. लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल बदल गया है, दिस इज नाउ यूलोथ्रिक्स. और दे मे बी सिमिलर इन साइज बट नॉन फ्लैजिलेटेड. सी, और दे मे बी सिमिलर इन साइज एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, राइट. इसके एग्जाम्पल में है स्पाइरोगाइडा, तो इसका एग्जाम्पल में है आपका यूलोथ्रिक्स, याद कर लेना. ठीक है, यूलोथ्रिक्स, देखो मैंने यहां पर स्पाइरोगाइडा का फोटो भी बना रखा है एंड इसके एग्जाम्पल में है आपका स्पाइरोगाइडा. ये आपकी मेडिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो द गैमेट्स कैन बी आइसोगैमस, खैर दोनों में क्योंकि शेप सेम है, ठीक है, शेप एंड साइज सेम है, दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज आइसोगैमस. ठीक है, सो द गैमेट्स आर आइसोगैमस. Then if they are flagellated, the example is urothrix. If it is non-flagellated, the example is spirogyra. This type of gamete is called as isogamous. ठीक? कभी-कभी gamete कैसा होता है? Fusion of the gametes are similar in size, क्या बोलते हैं? Shape, but different in size. ठीक है? जैसे मैंने बताया, देखिए shape same है, but size क्या अलग? तब इस type के gamete को हम लोग क्या बोलते हैं? Anisogamous. अभी-अभी मैंने पढ़ाया था an आइसोगैमेट्स. ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में यूडोरिना, देखिए मैंने यहां पर यूडोरिना का फोटो भी बना रखा है, दिस इज यूडोरिना. ठीक, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एन आइसोगैमस. यूडोरिना ओल्ड एनसीईआरटी में एग्जाम्पल यूडोरिना नहीं था, ओल्ड एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल था क्लमाइडोमोनस, उसको हटाकर अभी जो नया एडिशन मार्केट में आया है उसमें एग्जाम्पल डाल दिया है यूडोरिना. ठीक, और थर्ड कंडीशन मैंने क्या बोला था, द गैमेट्स में बी
क्या बोलते हैं, द फीमेल गैमेट मे बी लार्ज एंड मोटाई, ठीक है, दिस इज द फीमेल गैमेट, एंड द मेल गैमेट मे बी स्मॉल एंड मोटाई, ठीक है, द फीमेल इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल. इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओगैमस कंडीशन. एंड ओगैमस कंडीशन का दो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है. There are two examples of oogamous condition in your NCERT. One of them is Volvox, जो मैंने यहाँ पर आपको उसका डायग्राम दिखा रही हूँ मैं आपको Volvox, and the other is your fucus. ये दोनों को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है. तो sexual reproduction में मैंने आपको बताया it is with the help of gametes, which may be isogamete, anisogamete, and oogamous. Isomate may be flagellated or non-flagellated. सबका example था. Flagellated के example में था आपका Urothrix, non-flagellated में था Spirogyra, and isogamous जिसके example में था आपका Eudorina, and oogamous के example में Volvox and fucus. ठीक, ये तो हो गया इसके gametes दिखते कैसे. अब sexual reproduction basically होता कैसे, how do the gametes fuse. अच्छा, उससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. आपको पता है मेल गैमेट जिस ऑर्गन में बनता है उसको कहते हैं एंथ्रीडिया, एंड फीमेल गैमेट जिससे बनता है उसको कहते हैं उगोनिया. क्योंकि एल्गी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ यूनिसेलर है, तो इसका एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया भी कैसा होता है, यूनिसेलर एंड नॉन जैकेटेड होता है. नहीं समझ में आया तो प्लीज रेफर माई ओल्डर लेक्चर्स, आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ देखिए उसका मैंने एक बहुत अच्छा डायग्राम भी डाल रखा है, ठीक. To understand this diagram, let me make this diagram little big. थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है. Look at this. अब देखिए यहाँ पर एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया का दिखा रहा है. ये देखिए एक यूनिसेलुलर फिलामेंटस एल्गी दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है. सो दिस इज अ यूनिसेलुलर फिलामेंटस एल्गी. एक ही सेल का है, फिलामेंटस का है. उसी सेल में देखिए ये आपका बना ऊगोनिया. दैट इज ऊगोनिया कैसा हुआ, यूनिसेलर नॉन जैकेटेड, दिस इज योर ओगैमिया. और उसी में देखिए ये बना है मेल गैमेट बनाने का स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं एंथ्रीडिया. और देखो यहां लिखा है ओगोनिया, शायद आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा. इसको यहां पर लेबल किया गया है ओगोनिया, ठीक है, एंड इसको यहां लेबल किया गया है आपका एंथ्रीडिया, ठीक. अब यहां पर दोनों फ्यूज कर गए. देखिए यहां पर दिखा रहा है दिस इज योर मेल गैमेट, इस ओगोनिया के अंदर एग बना. मेल जो एंथ्रीडिया है देखिए ऊगोनिया में आया, गैमेट का ट्रांसफर हुआ. गैमेट ट्रांसफर के बाद आपका बना जाइगोट. आपको बताया कि एल्गी में द लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक, दैट मींस द जाइगोट इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द स्पोरोफाइट. ये डिवाइड नहीं करता टू फॉर्म अ मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, यहाँ पर यूनिसेलुलर स्पोरोफाइट बनता है जिसको कहते हैं जाइगोट, ठीक. सिंस जाइगोट ही फिर डिवाइड आपका इट बिहेव्स एज एन अडल्ट, तो ऑब्वियसली इसमें मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो एब्सेंट है, ठीक. सो द मल्टी सेलर एम्ब्रियो इज एब्सेंट, अभी मैंने आपको बताया था, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन एम्ब्रियो फाइटा, राइट. तो देखिए मैंने यहाँ पर जो लिखा है, लेट अस कम बैक टू दिस. तो यहाँ पर आपका लिखा है कि द सेक्स ऑर्गन्स में लिखा है द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथ्रीडिया, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज ओगोनिया, बोथ ऑफ देम आर यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड एंड एम्ब्रियो स्टेज इज एब्सेंट, ठीक. वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दीज थिंग्स इन माई प्रीवियस लेक्चर, जस्ट एन ओवरव्यू. तो मैंने आपको इन जनरल एल्गी के बारे में कुछ बताया. लेट मी क्विकली डिवाइज इट. दे आर मोस्टली यूनिसेलर, सम ऑफ देम मे बी कोलोनियल और सम ऑफ देम मे बी फिलामेंटस. द बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. सच एन अनडिफरेंशिएटेड बॉडी इज कॉल्ड एज थैलस. वैस्कुलर बंडल इज एब्सेंट. बोयंसी इट हेल्प्स टू कीप द बॉडी इरेक्ट, ठीक है. ये हो गया अबाउट द स्ट्रक्चर. न्यूट्रिशन में दे आर ऑल ऑटोट्रोफिक, दे ऑल हैव क्लोरोफिल ए, बिसाइड सम अदर पिगमेंट लाइक कैरोटीन एंड ज़ाइंथोफिल मे ऑल्सो बी प्रेजेंट, ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं आपका रिप्रोडक्शन में. इट मे बी वेजिटेटिव लाइक फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ गैमेट विच मे बी आइसोगैमेट, एनाइसोगैमेट और ओगैमेट. अब आ जाते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी. कुछ एल्गी के इंपॉर्टेंस ये हमें क्या चीज में यूज होते हैं. गोइंग बाय दैट, फर्स्ट लेट मी कम टू द फर्स्ट है. क्योंकि ये एल्गी एक्वेटिक है तो मेनली पानी में ही पाया जाता है. पूरे पानी में ये एल्गी पूरा फैला हुआ है. आप देख सकते हैं ये एक वाटर बॉडी है जिसमें पूरा एल्गी फैला हुआ है. एल्गी क्या है, एक प्लांट है भाई, यूनिसेलुलर प्लांट है. सो दैट मींस ये अगर एक यू नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है, और ये पानी में पाए जाते हैं. तो लेट मी ड्रॉ अ वाटर बॉडी हियर. समझिए ये एक वाटर बॉडी मैंने बनाया और इस पूरे वाटर बॉडी में पूरा सॉरी आई नीडेड टू यूज दिस. इस पूरे वाटर बॉडी में ये मेरा वाटर बॉडी है और इस पूरे वाटर बॉडी में मेरा एल्गी पूरा फैला हुआ है, ठीक है. तो ऑब्वियसली प्लांट है
तो अगर एल्गी एक प्लांट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, दैट मींस फोटो, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, ये हमारा फोटोसिंथेसिस करेगा, दैट मींस दे आर द चीफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सर्स ऑफ द अर्थ. फोटोसिंथेसिस में आप कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ग्लूकोज बनाते हैं. सिंस 3/4 ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर, 3/4 अर्थ वाटर का बना है, एंड एल्गी पूरे पानी में फैल के रहते हैं, सो दे आर वन ऑफ द मेजर और द चीफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, क्या बोलते हैं, फिक्सर्स ऑफ द अर्थ, बिकॉज दे फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज, दैट इज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. सिंस ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो आपको पता है कि फोटो, अब इसमें लिखा है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी दिखा है, लगभग हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, यानी कि लगभग 50% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस जो सारे प्लांट्स मिलकर करते हैं, उसका लगभग 50% अकेले एल्गी ही करता है. ठीक, उसके बाद आपका लिखता है यहाँ पर कि सिंस ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है. लेट अस सी दिस, 6CO2 आपको बताया प्लस 12H2O विल फॉर्म C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यानी कि फोटोसिंथेसिस का एक मेजर बाई प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन. सिंस ये सबसे ज्यादा लगभग 50% ऑफ द फोटोसिंथेसिस अर्थ का यही करते हैं, दैट मींस इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं, यानी कि एयर को प्यूरिफाई करते हैं. ठीक, दे एयर में नहीं, सॉरी पानी में, क्योंकि ये पानी में रहते हैं ना, तो ये पानी में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, दैट मींस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्वड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, दैट इज इन वाटर. एयर में भी छोड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस पानी में रहते हैं उसका भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं. सो दिस इज योर सेकेंड, और इसी से रिलेटेड एक इनका थर्ड फंक्शन आएगा, एंड दैट थर्ड फंक्शन इज दैट दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, मतलब दैट मींस दे आर द प्राइमरी ऑफ मेकिंग फूड. ये तीन पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा है, तीनों रिलेटेड है. सिंस एल्गी एक्वेटिक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सो दे आर द मेन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सर्स वन, एज अ रिजल्ट दे आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट मींस दे मेक फूड, एंड सिंस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, सो दे रिलीज द ऑक्सीजन इन द वॉटर एंड इन द एयर, दे बाय एनरिचिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट सराउंडिंग. ठीक, तो ये तीन मिला जुलाकर एक ही फंक्शन हुए. उसके अलावा मेनी ऑफ देम दे आर यूज्ड एज फूड, बहुत सारे खाने के जैसे यूज होते हैं, बहुत लोग एल्गी को खाते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स है, याद कर लेना, मैंने आपको बोला है इस चैप्टर से एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है. वन ऑफ द एडिबल एल्गी इज पोरफाइरा, जिसका मैंने यहाँ पर बनाया, दिस इज अ रेड एल्गी, पोरफाइरा विच इज अ रेड एल्गी, इट इज एडिबल, मेनी पीपल दे ईट इट. बिसाइड लैमिनेरिया, देखिए मैंने यहाँ पर लैमिनेरिया का फोटो बनाया एंड सालदासम का फोटो बनाया, ये दोनों ब्राउन एल्गी. ठीक, सो टू वैरायटी ऑफ ब्राउन एल्गी आपको याद करना है, वन ऑफ देम इज यू नो लैमिनेरिया एंड द अदर इज सार्गासम, दे आर बेसिकली यूज्ड एज फूड. ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकेंड फंक्शन, वन दे डू, दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द अर्थ, दैट मींस फूड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वन. सेकेंड, मेनी ऑफ देम दे आर यूज्ड एज फूड. अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट फंक्शन में, एज हाइड्रोक्लोराइड. एज हाइड्रोक्लोराइड का मतलब क्या है, hydrocolloids are those substances which help absorb you know moisture. hydrocolloids, they are water loving compounds. ठीक है, वो किसी भी चीज को नम रखने में मदद करते हैं, moist रखने में मदद करते हैं. तो मेरी बात सुनिए, ये very very important. कुछ marine brown and red algae हाइड्रोक्लोराइड्स बनाते हैं. हाइड्रोक्लोराइड्स, व्हाट आर हाइड्रोक्लोराइड्स, दीज आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस. कौन कौन बनाते हैं, सम मराइन ब्राउन एल्गी एंड सम रेड एल्गी. ब्राउन एल्गी जो हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस बनाता है, उसको कहते हैं एल्गी. ब्राउन एल्गी जो बनाता है उसको कहते हैं एल्गी, और रेड एल्गी जो बनाता है इसको हम लोग कहते हैं कैराजीन. Right, that means algae, they made certain hydrocolloid. The hydrocolloid made by brown algae is called algae, that by red algae is called as carrageen, जिसको हम लोग commercially use करते हैं, ठीक है, for making many things. क्या क्या चीज है, मैं यहाँ पर आपको कुछ example दिखा दू.
ब्राउन एल्गी जो एल्गीन बनाता है, इसे आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा डाला फॉर योर इंटरेस्ट, जो ब्राउन एल्गी एल्गीन बनाता है ठीक है, एंड ये जो रेड एल्गी कैरेटीन बनाता है, इसको हम लोग बहुत सारे फूड में यूज करते हैं, जैसे पुडिंग, आइसक्रीम, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, आपने देखा होगा यहाँ पर यू नो पुडिंग है, आइसक्रीम है, बहुत सारी जो चीजें हैं इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ऑफ द हाइड्रोकोलॉइड प्रॉपर्टी. Is that clear? So this is the third function जो मैंने अभी अभी आपको बताया. अब आ जाते हैं इसका अगला function, that is besides this, sorry, they are used for making agar. This is very 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 important. ये आपके school में भी बार बार आएगा. This is very 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 important function जो आपके school में भी बार बार आएगा. ठीक, हम एक तरह का रेड एल्गी है, दो रेड एल्गी है जिसमें से एक का नाम है जेलीडियम और दूसरे का नाम है ग्रैसिलेडिया. बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली रेड एल्गी. ये एक ऐसा केमिकल बनाता है जिसका नाम है अगार, और ये अगार को हम लोग यूज करते हैं फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स. मतलब आप में से जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी लिए 11-12 में, वो जानते हैं कि अगार एक न्यूट्रिएंट मीडियम है, इसमें अगर आप बैक्टीरिया वगैरह किसी को डालेंगे तो वो बहुत जल्दी ग्रो करता है. इट्स अ न्यूट्रिएंट मीडियम, राइट? सो दे आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स, दिस अगार. ये अगार किससे बनता है? अगार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल विच इज मेड फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ रेड एल्गी, वन इज जेलीडियम एंड द अदर इज ग्रैसिलेडिया. ठीक, एंड दिस इज यूज्ड वन टू ग्रो माइक्रोब्स. सेकेंड, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली. आइसक्रीम एंड जेलीज में ये एक्चुअली न्यूट्रिएंट मीडियम उतना नहीं है जितना ये सेमी सॉलिडिफाई करता है. मैं समझाती हूँ, मैं हम लोग माइक्रोब्स के साथ क्यों यूज करते हैं. ये मेरा एक मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम, इसमें मैंने कुछ माइक्रोब्स को डाला ग्रो करने के लिए. ठीक है, थोड़े दिन के बाद हमको, सॉरी नॉट माइक्रोब्स, इसमें हमने कुछ न्यूट्रिएंट डाला. ये हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम बना रहे हैं, इसमें हमने कुछ न्यूट्रिएंट्स डाला. थोड़े देर के बाद ये सारे न्यूट्रिएंट नीचे सेटल कर जाएंगे, नहीं? और एक बार ये न्यूट्रिएंट सारे नीचे सेटल कर गए, ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर सेटल एट द बॉटम, तो जाहिर सा बात है ठीक है, एल्गी का ग्रोथ, मतलब कोई भी माइक्रोब का ग्रोथ कहाँ होगा? केवल नीचे के लेयर में होगा जहां पर आपके न्यूट्रिएंट जा रहा है. मैं क्या बोल रही हूँ फिर से सुन लो, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया इसलिए मैं फिर से बता दूं. मैंने लैब में एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब मैंने पानी लिया और इस पानी में मैंने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को डाल दिया. मैंने यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया. मैंने क्या चाहती हूँ कि ये न्यूट्रिएंट ऊपर से नीचे बराबर फैले रहे, क्योंकि जब हम इसमें माइक्रोब को ग्रो करेंगे तो जहां जहां न्यूट्रिएंट होगा वही माइक्रोब अपना मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि उसको खाना मिल रहा है. बट मेरे को टेंशन क्या है, मेरे को टेंशन ये है कि थोड़े देर के बाद कहीं ऐसा नहीं हो कि सारे न्यूट्रिएंट नीचे बैठ गए. तुम खुद से देखो ना, पानी में अगर कुछ मिलाओगे तो थोड़ी देर बाद सब क्या होता है, पानी में नीचे बैठ जाता है. तो अगर सारे न्यूट्रिएंट पानी में नीचे बैठ गए तो ये जो माइक्रोब है उसका ग्रोथ केवल यहीं पर रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, वो पूरा ऊपर से नीचे ग्रो नहीं करेगा क्योंकि माइक्रोब को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए. ठीक है, तो वो केवल नीचे नीचे ग्रो करेगा, तो ये इतना बड़ा जो पेट्री डिश है ये तो पूरा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि माइक्रोब्स का ग्रोथ केवल नीचे नीचे हुआ, ऊपर तक नहीं हुआ, तो उसको लार्ज स्केल में मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा. अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट मीडियम में हम लोग अगार ऐड करते हैं. अगार क्या करता है, सेमी सॉलिडिफाई कर जाता है. कभी मम्मी को अगर आपने जैम जेली बनाते देखा है तो जब वो जैम या जेली को बॉटल में डालती हैं थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, सेमी सॉलिडिफाई हो जाता है. आप देखोगे ऐसे ऐसे यू नो चंक्स में बाहर निकलता है आपका जैम एंड जेली. तो ये अगार किसी भी फ्लूइड को वैसे सेमी सॉलिडिफाई कर देता है. तो जैसे आपने इस पे अगार डाला, ये मीडियम जैसे ही सेमी सॉलिडिफाई हो जाएगा तो जो न्यूट्रिएंट जहां पाया जाता है वहीं अटक जाएगा. ठीक है, मैंने एक ऐसे पेट्री डिश लिया, पानी डाला, मिनरल डाला, मिनरल बैठे नहीं इसलिए अगार डाल दिया. अगार डालने की वजह से वो जेली और जैम जैसा सेमी सॉलिडिफाई कर गया. एज अ रिजल्ट न्यूट्रिएंट क्या है, जहां था वहीं का वहीं फ्रीज हो गया. एज अ रिजल्ट बैक्टीरिया का ग्रोथ क्या होगा, आपका ऊपर से नीचे होगा पेट्री डिश में, एंड लार्ज स्केल में बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है. सो दिस इज व्हाट दे आर यूज्ड फॉर. ठीक, इसी के अलावा जो ये आइसक्रीम्स होती है, जेलीज होती है, उसको भी सही सॉलिडिफाई करने के लिए इस अगार का इस्तेमाल होता है. सो दिस इज द फोर्थ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी जो मैंने आपको बताया. इसके बाद वाला जो हम बताएंगे दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
बहुत सारे ग्रीन एल्गी को जिसका दो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये दोनों एग्जाम्पल आप अच्छे से याद कर लेना। इन दोनों एल्गी को हम लोग एज फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं बाय स्पेस ट्रैवलर्स। ठीक, स्पेस ट्रैवलर्स द्वारा फूड सप्लीमेंट पे यूज करते हैं। इसका मतलब क्या, वो लोग जो स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या चीज का है, ग्रेविटी का है, वहां जीरो ग्रेविटी है, तो वहां खाना खाना बहुत मुश्किल है। आपने अगर कोई डिस्कवरी चैनल में देखा होगा तो ये स्पेस ट्रैवलर्स कैसे खाते हैं, ये खाने को पहले हवा में छोड़ देते हैं और वो हवा में ही रहेगा, ग्रेविटी तो है नहीं, खाना तो गिरेगा नहीं, उसके बाद वो खुद भी उड़ते रहते हैं बिकॉज नो ग्रेविटी, देन दे मूव लाइक दिस बिहाइंड द फूड एंड देन दे हैव इट। बहुत मुश्किल है, तो ऑब्वियस, और एक तो स्पेस में खाना उगता नहीं है, तो ऑब्वियसली दे कैनॉट हैव चंक्स ऑफ फूड, यानी खा रहे हैं ढेर सारा खाना खा रहे हैं, वो ऐसा कर नहीं सकते। उनको तो केवल फूड कैप्सूल्स दिया जाता है, भैया दो कैप्सूल आपने खाया, दो कटोरी दाल के बराबर हो गया, वहां जाके ऐसे आप चम्मच जैसे थोड़ा ना दाल खा सकते हैं, ना तो पका सकते हैं ना खा सकते हैं, तो वो लोग फूड को कैप्सूल के फॉर्म में लेकर जाते हैं। तो उसी में दो एल्गी है, एक है आपका स्पाइरुलिना, देखिए मैंने यहाँ फोटो बनाया है स्पाइरुलिना, और एक है क्लोरेला, दिस इज योर क्लोरेला, दिस इज योर स्पाइरुलिना, ये दोनों यूनिसेलर एल्गी है और ये प्रोटीन में रिच है। मैं भी आपको बताऊंगी इनके जो ये सेल्स हैं, इस सेल में बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, दीज आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स, ठीक है, दीज आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स। तो इन एल्गी को हम हार्वेस्ट करते हैं, क्लास 12 में पढ़ाई गई, तालाब है, इस तालाब में हमने क्या किया, क्लोरेला को छोड़ दिया, कुछ दिन के बाद तालाब में पूरा क्लोरेला फैल जाएगा, फिर उसको हम लोग बाहर निकालते, ठीक है, हम लोग उसको छान के बाहर निकालते, निकालने के बाद उसको सुखा देते, और ये क्योंकि एल्गी तो एक सेल का पूरा ऑर्गेनिज्म है, और वो सेल भी किससे भरा हुआ है, प्रोटीन से भरा है, तो हर सेल में खूब प्रोटीन पाया जाता है। फिर इसको हम लोग पीस के टैबलेट्स के फॉर्म में बेचते हैं, अगर आपने एक टैबलेट या दो टैबलेट खा लिया तो आपका प्रोटीन का सारा जितना जरूरत है वो आपका पूरा हो जाता है, राइट। सो दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट स्पेशली बाय स्पेस ट्रैवलर्स। मैं जब भी ये पढ़ाती हूँ तो मुझे हमेशा याद आ जाता है, जब मैं पीएचडी कर रही थी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, मतलब मैं उसको पढ़ा रही थी स्कूल में, फिर मैं पीएचडी करने जाती थी, फिर मैं पढ़ाने जाती थी, फिर शाम को इवनिंग कोचिंग वगैरह, खाना खाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, और पीएचडी की खूब थीसिस भी लिखनी पड़ती थी, सो एक बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। उस वक्त मेरे जो गाइड है उन्होंने मुझे बोला, श्वेता आई डोंट नो वेदर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट और नॉट, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कुछ स्पाइरुलिना के टैबलेट्स, तुम इस टैबलेट को खा लिया करो ताकि कम से कम प्रोटीन का सप्लीमेंट आपको मिल जाएगा, सो दैट योर डाइट विल बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया इसका अगला फंक्शन, दैट मींस दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। विद दैट हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, सो अ जनरल इंट्रोडक्शन टू एल्गी, मतलब जनरल जो इंट्रोडक्शन है आपका एल्गी का, वो आपका कंप्लीट हो गया। सो एक बार वेरी क्विकली लेट अस सी व्हाट आई हैव टॉट यू। So what I have taught you right now is just that plants, when is classified kiya gaya hai, their kingdom is Plantae and it is divided into phylum, 5 phylum hai. Acha, plants mein phylum nahi bolte, plants mein kehte division, they are algae, jisko thallophyta bhi bolte, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms. ठीक, इसमें से पहला हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए एल्गी, और हमने एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, सबसे पहला हैबिटेट कहाँ पाया जाता है, सेकेंड शेप इसमें क्या क्या शेप्स होते हैं, थर्ड उसका न्यूट्रिशन कैसा है, फोर्थ उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो ये जनरल डिस्कशन हमारा एल्गी का हो गया, ठीक है। तो मैंने अभी आपके साथ जो ये जनरल डिस्कशन किया है, आई वुड लाइक टू शो दिस इन योर एनसीईआरटी कि यू नो वेयर इट इज एंड व्हाट इज देयर। सो लेट अस हैव अ क्विक लुक एट योर एनसीईआरटी। हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एल्गी। तो यहां पर देखिए आपका क्या लिखा है, पहले बता दें फिर हम आगे पढ़ाएंगे। तो आपका यहां लिखा है कि एल्गी सिंपल क्लोरोफिल बेयरिंग यू नो थायलॉइड ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, जो फ्रेश वाटर मराइन दोनों में रहते हैं। इसके अलावा ये मॉइस्ट स्टोन सॉइल वुड में भी रहते हैं, कुछ फंजाई के साथ रहते हैं, उसको कहते हैं लाइकन्स, एंड कुछ एनिमल्स के ऊपर भी रहते हैं लाइक स्लॉथ बेयर। तो आप चाहें तो प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी, एंड यहां कॉलम में आप लिख सकते हैं दिस पैराग्राफ बेसिकली डील्स विद हैबिटेट, दैट मींस वेब अबाउट, इट गिव्स अ नॉलेज अबाउट द प्लेस वेयर द एल्गी लिव्स। जो नेक्स्ट वाला है दिस इज अबाउट द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट, यहां पे तो मेरा कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या है कि यहां पर
द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर यहाँ से एक वर्ड डिलीट कर दिया गया है. लिखा है द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज वेरिएबल, सम ऑफ देम आर कोलोनियल जैसे वॉलवॉक्स. ओल्ड एनसीईआरटी में कोलोनियल से पहले लिखा था सम ऑफ देम आर माइक्रोस्कोपिक लाइक क्लैमाइडोमोनस, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया. जो डिलीट कर दिया गया है उसको मैंने एनसीईआरटी के किनारे में लिखा है. ये ओल्ड एनसीईआरटी में हुआ करता था, अब इसको डिलीट कर दिया है. ठीक. सो द सेकंड पैराग्राफ बेसिकली डील्स विद व्हाट, इट डील्स विद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस इनका शेप एंड साइज कैसा है. ठीक. तो इस पैराग्राफ के किनारे में आप लिख लीजिए दिस इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपका लिखा है ऑर्गेनाइजेशन. ठीक. इसमें क्या लिखा है, सम ऑफ देम आर कोलोनियल एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, सम ऑफ देम आर फिलामेंटस लाइक हीलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैयरा, ऑल एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सम मराइन फॉर्म्स आर केल्प, दीज आर ब्राउन एल्गी जो बहुत मैसिव बॉडीज बनाते हैं. हो गया. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ डील्स विद रिप्रोडक्शन. आप नेक्स्ट पैराग्राफ में यहां लिख सकते हैं इट डील्स विद रिप्रोडक्शन, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में हेडिंग नहीं दिया हुआ है. मैं आपको बता दे रही हूं, आप यहां तो लिख लो कि किसके अंदर एक्चुअली क्या लिखा हुआ है. अब आ जाते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में क्या लिखा है. लेट अस सी दिस. कहता है इसका रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हो सकता है, असेक्सुअल हो सकता है, मैंने अभी सब पढ़ा दिया आपको, सेक्सुअल भी हो सकता है. वेजिटेटिव होता है मेनली बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल होता है बाय स्पोर जो सबसे कॉमन है ज़ूस्पोर, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. उसके बाद दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. इसमें लिखा है द गैमेट्स मे बी नॉन फ्लैजिलेटेड, सॉरी दे मे बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, एग्जाम्पल यूरोथ्रिक्स. ओल्ड एनसीईआरटी में यहाँ यूरोथ्रिक्स की जगह यहाँ पर क्लैमाइडोमोनस लिखा हुआ था, इसको हटा दिया गया. मैं आपको सिर्फ बता दूं और दे मे बी नॉन फ्लैजिलेटेड एज इन स्पाइरोगैयरा. इसके अलावा दिस इज कॉल्ड एज आइसोगैमस. उसके अलावा ये डिसिमिलर इन साइज हो सकते हैं, इसको कहते हैं एनाइसोगैमस, जिसके एग्जाम्पल में यूड्रिना लिखा हुआ है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में यहाँ लिखा था क्लैमाइडोमोनस. सो प्लीज ये दोनों एग्जाम्पल डिस्कार्ड कर दीजिएगा. अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो यहाँ क्लैमाइडोमोनस लिखा होगा. आई विल रिक्वेस्ट प्लीज प्लीज डिस्कार्ड द ओल्ड एनसीईआरटी. न्यू एनसीईआरटी में यू नो फ्लैजिलेटेड सिमिलर का एग्जाम्पल है यूरोथ्रिक्स, एंड एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल है यूड्रिना. अगर वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल, ठीक है, एंड मोटाइल मेल के बीच में होता है उसको बोलते हैं ऊगैमस. इसका अभी मैंने बताया था दो एग्जाम्पल है, वन इज वॉलवॉक्स एंड द अदर इज फ्यूकस. हो गया. तो यहां पर कुछ डायग्राम्स हैं, मैं बता दूं क्लासिफिकेशन में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो सारे डायग्राम विथ लेबलिंग देख लेना. दिस इज अ ग्रीन एल्गी वॉलवॉक्स, इसके लेबलिंग देख लेना. दिस इज अ ग्रीन एल्गी कॉल्ड एज स्पाइरोगैयरा. ओल्ड एनसीईआरटी में ये डायग्राम नहीं था, जो जस्ट लास्ट ईयर तक जो चलता था उसमें ये आपका डायग्राम नहीं था, इसके उसके जगह ये डायग्राम था जिसको हटा दिया गया. वन इज दैट ऑफ क्लैमाइडोमोनस एंड द अदर इज चारा, इन दोनों को हटा दिया गया और ये अभी डायग्राम ऐड कर दिया. ये दोनों ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है, बचे हुए सारे फोटोज सेम है पुराने जैसे. दिस इज अबाउट योर ब्राउन एल्गी, यहाँ तीन ब्राउन एल्गी है और ये दोनों रेड एल्गी है और इनमें सबका नाम लिखा हुआ है. ग्रीन एल्गी में है वॉलवॉक्स एंड यूरोथ्रिक्स, ब्राउन एल्गी में है आपका लैमिनेरिया एंड फ्यूकस एंड डिक्टियोटा. ठीक है. सो दिस इज योर लैमिनेरिया, दिस इज फ्यूकस एंड दिस इज डिक्टियोटा. सबके लेबल्स लेबलिंग भी याद कर लेना, मेडिकल में आता है ये डायग्राम का लेबलिंग आता है. और रेड एल्गी के एग्जाम्पल में दिस इज पोरफाइरा एंड दिस इज पॉलीसाइफोनिया. प्लीज डू लर्न दीज डायग्राम्स, ना ड्रॉ नहीं करना सीखना है बट इनकी लेबलिंग सीखनी है. ठीक. उसके बाद वाला जो पैराग्राफ है दिस इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी. तो यहां पर आप ऐसे करके लिख लेना दिस इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी. ठीक है. अब इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया देख लो. सबसे पहला मैंने बताया दे आर द मेन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, दो दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्वड ऑक्सीजन. मैंने सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स डाले यहाँ पर, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी से बाहर आता ही नहीं है. जहां बाहर आएगा मैं वहां बाहर आपको ऑलरेडी पढ़ा दूंगी. ठीक है. इससे एकदम नहीं आता है. थर्ड, सो दे आर द मेन यू नो प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, तीनों फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है. उसके अलावा फोर्थ, मेनी लाइक पोरफाइरा लैमिनेरिया एंड सार्गासम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गी दैट आर यूज्ड एज फूड. करीब 70 टाइप्स के मराइन एल्गी को हम फूड जैसे यूज करते हैं, जिसमें से तीन एग्जाम्पल लिखा है. पांचवा,
दे प्रोड्यूस हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंसेस जिसको हम लोग बोलते हैं एल्गी इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी एंड कैरेजीन इन केस ऑफ रेड एल्गी जिसको हम लोग कमर्शियली यूज करते हैं. क्या चीज में यूज करते हैं मैंने आपको दिखाया था जैसे टूथपेस्ट एक्सेट्रा में हम लोग यूज करते हैं. इसके अलावा सिक्स्थ है अगार जो है ये बनाया जाता है फ्रॉम टू रेड एल्गी जेलिडियम एंड ग्रैसिलेरिया. वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है जिसको हम लोग यूज करते हैं टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम. एंड लास्ट एग्जाम्पल इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सेवेंथ है कुछ एल्गी जैसे क्लोरेला जो क्लोरेला स्पाइरुलिना मैंने डाला था आपके बुक से अब स्पाइरुलिना हटा दिया है केवल क्लोरेला लिखा है. ये एक ऐसा एल्गी है जिसको हम फूड सप्लीमेंट जैसे यूज करते हैं. Is that clear? So with that, the general characteristic of algae is over. This algae is now further divided into. मैंने आपको बताया था. First, listen to me. The kingdom was Plantae. Kingdom was Plantae. ये kingdom Plantae was divided into division. So algae is a division जिसको हम लोग phylum बोलते हैं animals में. And this is now will be divided into class. आपको पता है ना kingdom उसके बाद आता है phylum उसके बाद आता है class. So this algae is divided into three class. One is rhodophysi पूरा नहीं लिख रहे अभी देख लेना. The other is pheophysi brown algae and the third is chlorophysi that is the green algae. आपको इसका class तक का classification पढ़ना है. Algae में आपको kingdom Plantae phylum या division algae and इसका जो ये class है आपको तीनों class को भी detail में पढ़ना है ठीक है. सो लेट अस मूव इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी. अगला जो मैं आपको बता दें दिस इज जस्ट आई एम शोइंग दैट एल्गी इज बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स. व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ एल्गी. यहां पे तीनों का मैंने फोटो बना रखा है. दिस इज योर ग्रीन एल्गी राइट. दिस इज योर ब्राउन एल्गी जो यहां पर आप देख रहे हैं एंड दिस इज योर रेड एल्गी. सो दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. अच्छा इनको जो हमने तीन में फर्दर क्लासिफाई किया है मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है कि जब हम किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो उसके क्लासिफिकेशन का कोई बेसिस होता है. सो व्हाट इज द बेसिस ऑन व्हिच दे हैव बीन फर्दर क्लासिफाइड. लेट अस सी. फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी ठीक है इनटू क्लोरोफाइसी फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. एज आई टोल्ड यू एल्गी इज डिविजन. एल्गी इज डिविजन. इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस वन टू एंड थ्री. ये जो हमने इसको तीन क्लास में बांटा है किस बेसिस पे बांटा है. फर्स्ट ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट. क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. एंड आप एक चीज देखना क्लोरोफिल ए तीनों में पाया जाता है क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल ए एक ऐसा पिगमेंट है जो सारे प्लांट्स में पाया जाता है. इट इज द यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. कोई भी प्लांट इस दुनिया का जो फोटोसिंथेसिस करता है उसमें क्लोरोफिल ए होना ही है. उसके अलावा कुछ और पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं वो क्या है वो आपको याद करना है. ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए के अलावा होता है क्लोरोफिल बी. ब्राउन एल्गी में होता है क्लोरोफिल सी एंड इसमें होता है क्लोरोफिल डी. देखिए याद करने का आसान तरीका क्या है. ए तो सब में है फिर बी सी डी. ए बी सी डी ठीक है. इसके अलावा जो ग्रीन एल्गी है उसमें पाया जाता है अदर पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स एंड कैरोटीन. दीज आर बेसिकली दे गिव द रेड कलर ठीक है. बट बिकॉज इसमें सबसे अबंडेंट क्लोरोफिल ए पाया जाता है इसलिए ग्रीन कलर का दिखता है इसीलिए उसको क्लोरोफाइसी या ग्रीन एल्गी कहते हैं. नाउ कम लेट अस कम टू फियोफाइसी. फियोफाइसी को कॉमनली हम ब्राउन एल्गी कहते हैं. इसमें क्लोरोफिल ए के अलावा जो मेजर पिगमेंट पाया जाता है वो है फ्यूकोजैंथीन एंड कैरोटीनॉइड भी पाया जाता है. अभी फ्यूकोजैंथीन क्या है मैं यहां पर बता दूं. जैसे क्लोरोफिल एक पिगमेंट है और इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जैसे क्लोरोफिल ए बी सी डी. ये कैसा पिगमेंट है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है. वैसे ही एक ब्राउन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिस ब्राउन कलर के पिगमेंट को हम कहते हैं ज़ैंथोफिल राइट. उसको हम लोग कहते हैं ज़ैंथोफिल सीधा ठीक है. और ये ज़ैंथोफिल जैसे क्लोरोफिल बहुत सारे टाइप से बटा हुआ है उसमें से ज़ैंथोफिल भी बहुत टाइप से बटा हुआ है जिसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूकोजैंथीन. दैट मींस फ्यूकोजैंथीन इज अ टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल. आई एम टेलिंग यू अबाउट सम पिगमेंट्स. जैसे मैंने बताया ना प्लांट में एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल एक पाया जाता है ज़ैंथोफिल एक पाया जाता है कैरोटीनॉइड्स.
कैरोटीनॉइड्स, ये अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं. क्लोरोफिल की वजह से द प्लांट लुक्स ग्रीन इन कलर, ज़ैंथोफिल की वजह से इट लुक्स ब्राउन इन कलर, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स की वजह से इट लुक्स येलोइश रेड इन कलर. सो दीज आर द पिगमेंट्स विच गिव कलर टू द प्लांट्स, ठीक है, इट लुक्स येलोइश रेड और ऑरेंज इन कलर, ठीक है. तो ये सारे पिगमेंट पाए जाते हैं. तो पानी को तो ये सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, मतलब क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड सब में पाए जाते हैं, पर इसमें ग्रीन एल्गी में मेनली क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए ये ग्रीन दिखाई देता है, इसको हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं, राइट. वैसे ही जो आपका ब्राउन एल्गी है उसमें मेजर पाया जाता है फ्यूकोजैंथीन, और अभी मैंने आपको बताया फ्यूकोजैंथीन ब्राउन कलर देता है, तो इसलिए ये एल्गी ब्राउन इन कलर होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फियोफाइसी. एंड रोडोफाइसी में बिसाइड्स क्लोरोफिल ए एंड डी इसमें पाया जाता है फाइकोएरिथ्रिन. नाउ व्हाट इज फाइको? फाइको मींस एल्गी. द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी. फाइकोलॉजी, फाइको मींस एल्गी. एंड एरिथ्रिन आपको पता है रेड, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट, एंड एरिथ्रो मींस रेड. तो एल्गी में रेड पिगमेंट जो पाया जाता है उसको कहते हैं फाइकोएरिथ्रिन. फाइको मींस एल्गी, उसमें एरिथ्रिन यानी कि जो रेड पिगमेंट पाया जाता है फाइकोएरिथ्रिन. इसके अलावा इसमें पाया जाता है फाइकाबिलिन्स एंड फाइकोसाइनिन, लेकिन इसका जो मेन पिगमेंट है वो फाइकोएरिथ्रिन है जो रेड कलर का है, इसीलिए एल्गी आपका रेड कलर का दिखाई देता है. सो वन ऑफ द रीजन फॉर यू नो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सॉरी डिवीजन एल्गी इनटू थ्री क्लासेस, वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया इज योर पिगमेंट्स, ठीक. तो एक बार जब मैंने आपको पिगमेंट बता दिया, तो पिगमेंट के हिसाब से क्लोरोफाइसी दे हैव मेनली क्लोरोफिल, फियोफाइसी बिसाइड्स क्लोरोफिल दे हैव फ्यूकोजैंथीन व्हिच इज ब्राउन इन कलर अबंडेंट सो इट लुक्स ब्राउन, एंड रोडोफाइसी बिसाइड्स क्लोरोफिल इट हैज फाइकोएरिथ्रिन व्हिच इज रेड इन कलर, बहुत मैसिव अमाउंट में होता है, सो दे लुक रेड इन कलर. सो दिस इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ग्रेट, जब मैंने आप ये फर्स्ट आपको बेसिस पढ़ा दिया, मैं इसको अब आ जाते हैं इसका सेकेंड, स्टोर्ड फूड. ना स्टोर्ड फूड में मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर प्लांट है तो ऑब्वियसली स्टोर्ड फूड क्या होगा? स्टार्च होगा. तो सभी में स्टार्च होता है, लेकिन स्टार्च के वेरिएंट्स होते हैं. क्लोरोफाइसी में यानी कि ग्रीन एल्गी में एकदम शुद्ध स्टार्च पाया जाता है, जबकि फियोफाइसी जिसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं उसमें स्टार्च का एक वेरिएंट पाया जाता है जिसको मैनिटॉल या लैमिनेरिन कहते हैं. इसी के आधार पर तो आपको याद होगा हमने कहा था लैमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी जो एडिबल है, हम खाते हैं, तो उसमें क्योंकि स्टोर्ड फूड लैमिनेरिन होता है इसीलिए उस ब्राउन एल्गी को हमने नाम दिया है लैमिनेरिया, ठीक. तो ब्राउन एल्गी में स्टार्च का एक मॉडिफाइड वर्जन मैनिटॉल एंड लैमिनेरिन पाया जाता है. सिमिलरली रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च, अगेन दिस इज अ वेरिएंट ऑफ स्टार्च. तो फर्स्ट इनका क्लासिफिकेशन का आधार क्या था? पिगमेंट. सेकंड क्या था? आपका स्टोर्ड फूड, ठीक. थर्ड आ जाते हैं सेल वॉल. आप बोलोगे मैम सेल वॉल में क्या पढ़ना है? प्लांट है तो ऑब्वियसली सेल वॉल क्या चीज का बना होगा? सेल्यूलोज एंड पेक्टीन का बना होगा, ठीक है. तो सेल्यूलोज एंड पेक्टीन का बेसिकली तो तीनों ही बने हैं, लेट मी यूज अनदर कलर नाउ, ठीक है. सेल्यूलोज तीनों में ही है, ठीक है, बट इसमें केवल सेल्यूलोज एंड पेक्टीन है, ठीक है, जबकि इसमें सेल्यूलोज के अलावा पेक्टीन के अलावा एल्गीन पाया जाता है. एंड इसमें लिखा नहीं है पर मैं आपको बता दूं इसमें सेल वॉल में पाया जाता है कैरेजीन, और अभी आपको याद होगा अभी मैंने आपको बताया था इसी एल्गीन एंड कैरेजीन की वजह से दे एक्ट एज हाइड्रोक्लोराइड, दे कैन अब्सॉर्ब वॉटर, दे कैन अब्सॉर्ब मॉइस्चर, इनमें मॉइस्चर या वॉटर अब्सॉर्ब की कैपेसिटी होती है. दैट मीन्स ऐसे तो सेल वॉल सेल्यूलोज का ही होगा, बट ब्राउन एल्गी में पाया जाता है सेल वॉल में एक एडिशनल सब्सटेंस एल्गीन, जिसकी वजह से ब्राउन एल्गी हाइड्रोक्लोराइड जैसा बिहेव करता है. एंड रोडोफाइसी में पाया जाता है कैरेजीन, जिसकी वजह से वो एक अलग हाइड्रोक्लोराइड जैसा फंक्शन करता है, ठीक है. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन. नाउ दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लैजेलर नंबर एंड पोजीशन में बता दूं, ग्रीन एल्गी जो होते हैं इनमें जब भी इनमें फ्लैजेला जब भी होगा 2 to 8 होगा, एंड दे आर इक्वल एंड एपिकल. मतलब यहां पर अगर मैं कहीं डायग्राम बना दूं, इसको आई एक्चुअली वॉन्टेड टू कीप दिस, तो मैं यहां बना देती हूं. इसमें जब भी फ्लैजेला होगा ग्रीन एल्गी में ये एपिकल होगा, और इसकी संख्या 2 से लेकर 8 तक हो सकती, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उससे ज्यादा नहीं होगा. और इनका हमेशा एपिकल होता है यानी कि टिप में होता है. ब्राउन एल्गी में जब भी फ्लैजेला होगा ये 2 होता है, एंड ये लैटरल होता है अनइक्वल. मतलब इसमें जब होगा तो इस साइड या एपिकल है,
एपिकल मतलब टिप पर, या क्या है लैटरल और अनइक्वल, एक बड़ा एक छोटा। और याद रखना रेड एल्गी में फ्लैजेला एब्सेंट होता है, द फ्लैजेला इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल, ठीक है। सो दैट इज, एंड द लास्ट वन इज हैबिटेट। हैबिटेट में मैं आपको बता दूं, ग्रीन एल्गी मोस्टली फ्रेश वाटर में रहते हैं, रेयरली दे लिव इन ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर। ब्राउन एल्गी रेयरली रहते हैं फ्रेश वाटर में, ये मेनली पाए जाते हैं ब्रैकिश एंड सॉल्ट वाटर में। एंड रोडोफाइसी भी रेयर पाए जाते हैं फ्रेश वाटर, ब्रैकिश में भी कम, ये मोस्टली सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिटाना ही पड़ेगा इसका हैबिटेट को आपको समझाने के लिए। तो मैं आपको अब जो लास्ट है उसका हैबिटेट, इसके हैबिटेट को समझाने के लिए आई क्लियर द बोर्ड लिटिल बिट सो दैट आई कैन शो यू। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, जस्ट लुक एट दिस। दिस अगर मैं लेट मी रब दिस वंस अगेन, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे वाटर बॉडी बनाऊ, दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज द वाटर बॉडी, ठीक है। तो याद करना रेड एल्गी मराइन है एंड मोस्टली डीप सी में पाए जाते हैं। रेड एल्गी आर मोस्टली मराइन एंड दे आर फाउंड इन डीप सी। जो ब्राउन एल्गी है वो भी मोस्टली मराइन है, बट ये थोड़े ऊपर की तरफ भी पाए जाते हैं और वेरी डेप। एंड फाइनली है ग्रीन एल्गी, जो कैसे हो गए फ्रेश वाटर, ये जमीन की तरफ चले गए एंड ये थोड़ा फ्रेश वाटर एंड टेरिस्टल हो गए। सो दिस इज हाउ यू नो द एल्गी इवॉल्व्ड। रेड एल्गी इट डेवलप एन ओशन, फिर हम थोड़ा ऊपर आए, थोड़ा सा अपर एंड मिडिल लेयर ऑफ द ओशन एंड फिर हम चले गए जमीन में टुवर्ड्स फ्रेश वाटर। सो दिस इज योर ग्रीन एल्गी एंड दिस इज योर ब्राउन एल्गी। दैट मीन्स आपका यहां क्या लिखा है, रेड एल्गी मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्ट वाटर, ब्राउन एल्गी इट इज फाउंड इन बोथ ब्रैकिश एंड सॉल्ट, जहां समुद्र और मीठा पानी मिलता है उसको कहते हैं ब्रैकिश, एंड जो ग्रीन एल्गी है दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर, राइट। सो दिस इज अबाउट, दीज आर द फाइव पॉइंट्स ऑन बेसिस ऑफ विच द एल्गी हैज बीन क्लासिफाइड, ठीक। जब आपको ये पता लग गया तो अब तीनों तरह के एल्गी पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा। सो लेट अस हैव अ क्विक रीकैप वंस अगेन। ग्रीन फर्स्ट इज द पिगमेंट, क्लोरोफिल ए दो तीनों में पाया जाएगा, इसमें ए बी ए सी ए डी। इसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड्स पाया जाएगा, बट मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल होने की वजह से ग्रीन दिखता है, सो वी कॉल इट एज ग्रीन एल्गी। इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी के अलावा फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है, फ्यूकोजैंथीन इज अ टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल जो ब्राउन कलर देता है, सिंस इट लुक्स ब्राउन इन कलर सो वी कॉल इट एज फ्यूफाइसी और ब्राउन एल्गी। यहाँ पर यू नो क्लोरोफिल ए एंड डी के अलावा इसमें पाया जाएगा फाइकोएरिथ्रिन जो एक रेड पिगमेंट है, फाइकोएरिथ्रिन ज्यादा होने की वजह से रेड दिखता है, सो वी कॉल देम एज रेड एल्गी। स्टोर फूड अगर आप देखेंगे तो प्लांट है तो ऑब्वियसली स्टोर फूड क्या होगा, स्टार्च होगा, बट यहां पर इसका स्टार्च के अलावा इसमें एक उसका मॉडिफिकेशन पाया जाता है, दैट्स कॉल्ड मैनिटॉल, जिसको लैमिनारिन भी कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च, आपको याद करना है। सेल वॉल इसका बना है सेलुलोज एंड पेक्टिन, बट इसमें इसके अलावा एल्गी इसका मिट गया, इसमें कैरेजिन भी पाया जाता है। फ्लैजेला का अगर नंबर एंड पोजिशन देखेंगे तो इसका फ्लैजेला एपिकल होता है 2 to 8, इसका 2 होता है लैटरल, 1 बिग 1 स्मॉल, इसमें एक्सेंट होता है। दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर, ठीक, बट दे मे बी ब्रैकिश एंड मराइन। इसमें दे आर मोस्टली यू नो मराइन बट ऑटवर्ड द अपर लेवल, फ्रेश वाटर रेयर। इसमें मोस्टली डीप सी पाया जाता है, एकदम प्योर मराइन, फ्रेश वाटर इसमें रेयर पाया जाता है। सो दिस इज हाउ यू नो एल्गी, द फाइलम एल्गी और द डिविजन एल्गी हैज बीन डिवाइडेड इंटू 3 क्लासेस, राइट। तो आज मैं आपको इसमें से जो फर्स्ट वन है ग्रीन एल्गी, इसको भी मैं आज आपको पूरा पढ़ाऊंगी। सो लेट अस डू इट वेरी क्विकली अबाउट द ग्रीन एल्गी। सबसे पहले ग्रीन एल्गी कहाँ पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक। सम ऑफ देम आर टेरिस्टल, जमीन में भी जहां थोड़ा सा यू नो नमी है, जहां थोड़ा वाटर लॉगिंग हो गया है, जहां थोड़ा पानी है वहां ये पाए जा सकते हैं, वेट रॉक्स, वेट ट्रंक्स एक्सेट्रा में पाए जा सकते हैं। हैबिटेट की बात नेक्स्ट वी विल गो इज कहां बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जानते हैं एल्गी है तो ऑब्वियसली बॉडी इसमें, अच्छा ग्रीन एल्गी है तो आपको पता है ग्रीन एल्गी मोस्टली कैसे होते हैं, यूनिसेलर होते हैं। सो सम ऑफ देम आर यूनिसेलर लाइक क्लैमाइडोमोनस, आप यहां देखा आपने, कुछ इसमें कोलोनियल होते हैं जैसे वॉल्वॉक्स, एंड कुछ आप देख सकते हैं दे आर फिलामेंटस एज इन यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइटा, ठीक। सो दीज आर द 3 शेप्स, मोस्टली ग्रीन एल्गी आर यूनिसेलर, आइदर द सेल इज आइसोलेटेड और द सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलोनी और इन द फॉर्म ऑफ अ फिलामेंट। तीनों का आप एग्जाम्पल याद करेंगे, एंड इनका सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेलुलोज का मेनली बना हुआ है, सेलुलोज एंड पेक्टिन, इसका आपका सेल वॉल बना हुआ है,
ठीक है, जब आपने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इसका न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफिल पाया जाता है तो इसमें फोटोसिंथेसिस करेगा और मेन पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है जिसकी वजह से ये ग्रीन दिखता है। अब इस क्लोरोफिल के बारे में मैं एक और चीज बता दें, अगर क्लोरोफिल है तो ऑब्वियसली किसमें पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा। आपको पता है प्लांट्स के सेल में ठीक है एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट में ये आपका ग्राना एंथाइलोकॉइड्स पाए जाते हैं ठीक है, जिसकी वजह से यू नो दिस क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन एल्गी में इसका शेप वेरिएबल होता है, जैसे देखो ये ग्रीन एल्गी है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनस, लुक एट दिस, ये क्लेमाइडोमोनस में देखिए इसका क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा है, इट इज डिस्कॉइडल ऐसा, यहां देखो यहां पर भी आपका दिख रहा है, सी इट इज फ्रॉम हियर, इसको दूसरा कलर से बनाते तो आपको दिखेगा, दिस इज लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ये शेप को हम कहते हैं डिस्कॉइडल। तो ये फोटोसिंथेटिक है, यूनिसेलर है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया ही जाएगा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। इस क्लोरोप्लास्ट का शेप इट कैन बी डिस्कॉइडल, इट कैन बी रेटिकुलेट, देखो यहां जालदार स्ट्रक्चर बना रहा है ठीक है, इट कैन बी रेटिकुलेट, इट कैन बी स्पाइरल, देखिए ऐसा इट कैन बी स्पाइरल एंड डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट स्पीशीज, ये इसका शेप अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग पाया जाता है। न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन के बाद एक और चीज बता दें, न्यूट्रिशन में इसका रिजर्व फूड क्या होता है, आपने पढ़ा रिजर्व फूड इसका स्टार्च होता है, वेरी गुड। इसमें स्टार्च के अलावा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको कहते हैं पाइलॉइड, पाइलॉइड क्या है आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ये जो स्टार्च है स्टार्च के साथ इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, दिस इज स्टार्च प्लस दिस प्रोटीन, ठीक है, दिस स्टार्च प्लस प्रोटीन, दिस इज योर स्टार्च, दिस इज योर स्टार्च प्लस इट हैज प्रोटीन्स ऑल्सो, मैंने बोला था ना इसको हम लोग स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट, मैंने कहा था ना बहुत सारे ग्रीन एल्गी में प्रोटीन पाया जाता है, स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं, दिस स्ट्रक्चर कंबाइंड स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड एज पाइरिनोइड्स। इसके न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे आप, क्या न्यूट्रिशन में ऑटोट्रोफ है, क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है, इसके अलावा रिजर्व फूड इसका स्टार्च है, पर स्टार्च के अलावा इसमें स्टार्च के साथ प्रोटीन एसोसिएटेड होते हैं, इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज पाइरिनोइड्स। अच्छा जब हमारा न्यूट्रिशन हो गया तो हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, जो आपने जनरल पढ़ा था एल्गी में, क्विकली देख लेते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन विल बी बाय फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि ये जो यूरोथ्रिक्स है स्पाइरोगाइरा है फिलामेंटस है तो ऑब्वियसली ये फ्रेगमेंटेशन कर सकता है। अब आ जाते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, स्पोर्स, एंड मोस्टली इसके स्पोर्स कैसे होते हैं, जू स्पोर्स होते हैं, ये जू स्पोर जिस थैली में बनते हैं उसको कहते हैं जू स्पोरेंजिया, सो यू कैन सी दिस, दिस इज जू स्पोरेंजिया जिसके अंदर जू स्पोर बना है, दिस स्पोरेंजिया विल बर्स्ट एंड दिस स्पोर्स विल जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू एल्गी, ये हो गया। इसी में एक आपका, लेकिन अगर कंडीशंस थोड़े अनफेवरेबल हो, नॉर्मली ये लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं, नॉर्मल में अगर सब कुछ अच्छा खासा है तो लोग असेक्सुअल प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा अनफेवरेबल होगा कंडीशन देन दे कैन आल्सो गो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जनरल एल्गी में बताया था उसको जल्दी से देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अब यहां पर एक जस्ट दिखा रहा है, इस केस में वही सेम क्लेमाइडोमोनस है बट इस केस में ये स्पोर नहीं है, ये गैमेट है, ठीक है, तो उसी का आपको दिखा दें आपका क्या प्रोसेस है, लेट मी शो यू इट टू यू टर्न बाय टर्न। सबसे पहले इसने बनाया गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, देखो यहां पेयर किया, पेयर करने के बाद इट फॉर्म्ड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट, दिस जाइगोट इट डेवलप्स अ हार्ड कवरिंग अराउंड इटसेल्फ, यू हैव सीन, ठीक है, जो इसको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में मदद करता है। ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन दिस रिलीजेस, इट ब्रेक्स एंड इट रिलीज द हाइट, यू नो इंडिविजुअल सेल्स। सो ये एक ऐसा डायग्राम है जिसके इसके बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल बता रहे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट डज माइटोसिस टू फॉर्म स्पोर्स एंड द स्पोर्स दे जर्मिनेट टू फॉर्म द एडल्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये माइटोसिस से फॉर्म्स गैमेट, द गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, दिस जाइगोट विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म क्या बोलते हैं इंडिविजुअल सेल्स। सो दिस इज अबाउट इट्स रिप्रोडक्शन, हो गया एक बार रिप्रोडक्शन हो गया। अब आ जाते हैं, ये तो जस्ट वही डायग्राम रिपीट है, इट इज जस्ट सेइंग कि इसमें यू नो द गैमेट्स कैन बी एनाइसोगैमस, ओगैमस,
और वही जो पिछली बार में हम डायग्राम बताए थे उसी को एक और कलर डायग्राम से यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गी। आपके एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिया है, बट मैंने जो बताया उसमें से ग्रीन एल्गी के सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस निकाल लो। तो ग्रीन एल्गी का एक इंपॉर्टेंस क्या है, दे डू फोटोसिंथेसिस, दे रिलीज ऑक्सीजन, मेनी ऑफ देम आर यूज्ड एज फूड, दे हेल्प इन सुएज डिस्पोजल। अगर कोई पानी आपका गंदा है वहां एल्गी को डाल दो, एल्गी जब उसके अच्छा ऑर्गेनिक वेस्ट होना चाहिए, मतलब डिकम्पोजेबल वेस्ट होना चाहिए, तो एल्गी उस वेस्ट को कंज्यूम करके फोटोसिंथेसिस करके अपनी संख्या बढ़ाता है और पानी को साफ कर देता है, इसको बोलते हैं सुएज ट्रीटमेंट। बाकी जब आप सुएज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अलावा देयर आर टू स्पीशीज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, दे आर रिच इन प्रोटीन एंड हेंस दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। ठीक, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ग्रीन एल्गी कंप्लीटली। हमारा एल्गी कंप्लीट हो गया, हमने ओवरऑल क्लासिफिकेशन किया, फिर हमने पढ़ा एल्गी के कैरेक्टर्स, फिर हमने पढ़ा ग्रीन एल्गी के कैरेक्टर्स। जब हम लोग इतना पढ़ लिए तो एक बार ग्रीन एल्गी को भी हम लोग एनसीईआरटी में देख लेते हैं, राइट। सो व्हाट इज देयर, लेट अस गो थ्रू योर एनसीईआरटी आल्सो। सो लेट अस कम टू क्लोरोफाइसी, दिस मच आई हैव कंप्लीटेड। फिर मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू राइट। क्लोरोफाइसी को हम लोग कॉमनली कहते हैं ग्रीन एल्गी। ठीक, ये यूनिसेलर होगा, कोलोनियल या फिलामेंटस होगा, इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है, ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का शेप रेटिकुलेट कप शेप, स्पाइरल रिबन शेप्ड हो सकता है। इनमें स्टोरेज बॉडी पाया जाता है पाइलिनॉइड। पाइलिनॉइड कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, सो पाइलिनॉइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सम एल्गी दिस टू ऑल्सो स्टोर ऑयल ड्रॉपलेट्स, वो आपका लिखा मैंने बताया नहीं था कुछ में, जैसे मैंने बताया ना ये एल्गी है, कुछ यहाँ पर स्टार्च स्टोर करते हैं प्रोटीन, कुछ उसके साथ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल 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 के ड्रॉपलेट्स भी स्टोर करते हैं। इनका सेल वॉल किसका बना है, सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना है। नाउ दिस पार्ट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीन एल्गी, सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीन एल्गी एंड दिस पार्ट इज अबाउट रिप्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एल्गी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो ऐसा है नहीं, मैंने ही बता दिया है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में है वही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू मोस्टली फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स व्हिच आर फाउंड इन ज़ूस्पोरांजिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गैमेट्स व्हिच कैन बी आइसो एनाइसो ओगैमस। उसके अलावा जो सबसे नीचे वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज एग्जाम्पल्स, एंड एग्जाम्पल आपका मेडिकल में बहुत ज्यादा आता है। कॉमन एग्जाम्पल याद कर लेना, वॉल्वॉक्स आप सुन चुके हो, यूरोथ्रिक्स सुन चुके हो, स्पाइरोगोरा सुन चुके हो, चारा, चारा का आपको याद होगा मैंने फिगर दिखाया था जो ओल्ड एनसीईआरटी में था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया, राइट। इसके अलावा आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू द टेबल जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, हाउ दे हैव बीन क्लासिफाइड। आई टोल्ड यू ना वॉट इज द मेजर पिगमेंट दैट इज फाउंड इन देम, द स्टोर्ड फूड, द सेल वॉल, द फ्लैजेला नंबर एंड पोजिशन एंड हैबिटेट। So also look at this chart. With that, we have come to an end to today's class. Let me summarize what I taught you. First, I taught you how the plants have been classified, how the kingdom Plantae has been divided into sub-kingdom, sub-kingdom into division and division into class. Uske baad I took up algae. मैंने पहले आपको जनरल एल्गी के कैरेक्टर्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताया, फिर मैंने बताया ये एल्गी तीन भाग में बटा हुआ है, दैट इज रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड उसमें से जो ग्रीन एल्गी है उसको मैंने आज आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, विद दैट वी कंप्लीट एल्गी एंड ऑल्सो मूव इन टू ब्रायोफाइट्स। प्लीज रिवाइज वॉट एवर आई टोल्ड यू वेरी थरली, प्लीज पुट योर कॉमेंट्स एंड योर लाइक बटन्स ऑन माई वीडियो, एंड प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब, एंड That we have come to an end. I wish you good luck. Khush rahiye, mast rahiye, lekin padhte rahiye. And we'll meet in the next lecture. Till then, thank you.